गर्ल्स पावर लेडीज जिम, जहां कार्डियो वेट मैनेजमेंट, फ्लोर एक्टिविटीज, स्ट्रेंथ और पर्सनल ट्रेनिंग, बेसिक डाइट एंड इंच कार्ड विथ एट्रैक्टिव पैकेज के साथ जिम ट्रेनिंग कोर्स पर 20% ऑफ, स्मार्ट ट्रेनिंग प्लान और फुल बॉडी चेकअप। साथ ही ब्यूटी पार्लर सर्विस और क्लास पर 30% ऑफ। फिटनेस एंड ब्यूटी लवर्स की पहचान है फॉर द बेस्ट रिजल्ट। ज्वाइन गर्ल्स पावर, बी फिट बी फैबुलस। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। रेलवे ट्रैक से चलकर घर जा रही महिला को झाड़ियों में ले जाकर बलात्कार किया गया। ये घटना टिटवाला रेलवे स्टेशन के पास में हुई है। हालांकि पुलिस ने महिला पर अत्याचार करने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि टिटवाला से एक हैरान कर देने वाला ये मामला सामने आया है। रेलवे ट्रैक से चलकर घर जा रही एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है। ये सनसनीखेज वारदात हुई है। घटना टिटवाला रेलवे स्टेशन के पास घटी है। इस मामले में कल्याण रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में निशांत चौहान नाम के आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। पीड़िता शहाट की एक निजी कंपनी में नौकरी करती है। सोमवार की रात कंपनी से निकलने के बाद पीड़ित महिला लोकल ट्रेन से टिटवाला स्टेशन पहुंची। उसका घर स्टेशन के करीब में है, इसलिए उसने घर जाने के लिए शॉर्टकट अपनाया। पीड़िता रेलवे ट्रैक से चलते हुए घर की दिशा में जा रही थी और पति के साथ मोबाइल फ़ोन पर बात भी कर रही थी। इसी दौरान आरोपी ने उसका पीछा किया और मौका पाते ही आरोपी ने जबरन महिला को रेलवे ट्रैक के पास वाली झाड़ियों में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घबराई महिला ने इस घटना के बारे में अपने पति को बताया। पति ने स्थानीय लोगों की मदद से मौके पर पहुंचकर महिला को बचाया और उस हैवान को रेलवे पुलिस के हवाले किया गया। कल्याण रेलवे पुलिस ने आरोपी निशांत चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक निशांत पड़घा की एक निजी कंपनी में काम करता है। एसीपी मनोज पाटिल और कल्याण रेलवे पुलिस थाने की इंचार्ज अर्चना दुशाने के मार्गदर्शन में इस केस की जांच आगे की जा रही है। कल्याण पुलिस एसीपी जीआरपी मनोज पाटिल ने इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। काल रात्रीच्या सुमारास एक फिर्यादी महिला टिटवाळा रेल्वे स्टेशनवरून तिच्या घरी ट्रॅकमधनं चालत जात असताना तिच्यावर 376 प्रकार झालेला आहे। या संदर्भामध्ये आपण आरोपीला तात्काळ अटक केली आहे। पुढील तपास सुरू आहे।